हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं है बच्चों प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। तो आज बच्चों हम देखेंगे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो आपका सॉलिड स्टेट है, उसमें देखेंगे बच्चों शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों ये आए कहाँ से, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने डिस्कशन किया क्या बच्चों, रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों रिक्ति दोष, क्या बच्चों रिक्ति दोष, और एक क्या होता है बच्चों अंतराली दोष, क्या होता है बच्चों आपका अंतराली दोष। और जो बच्चों आपका रिक्ति दोष होता है इसी को हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष, क्या कहते हैं बच्चों आपका शॉटकी दोष। और ये जो अंतराली दोष है बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, क्या फ्रैंकल दोष, क्या कहते हैं बच्चों फ्रैंकल दोष। इतनी बातें समझ में आई बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आओ हम लेक्चर स्टार्ट करें इसके आगे जो आपकी हेडिंग है। तो एक तरफ बच्चा हम लिखते हैं आपका शॉटकी दोष, और एक तरफ बच्चा हम आपका लिखते हैं फ्रैंकल दोष। अब बच्चों शॉटकी दोष क्या होता है, देखिए अगर बच्चों कोई आपका क्रिस्टल है, कोई क्या आपका क्रिस्टल है, जैसे हमने ये लिया, यहां बच्चों समझते चलिए, जैसे बच्चा हमने एक क्रिस्टल यहां पर बनाया, यहां बच्चों ए प्लस है, यहां पर बी माइनस है, यहां पर ए प्लस है, यहाँ पर B माइनस है, यहाँ पर A प्लस है, और यहाँ पर क्या बच्चा B माइनस है। ठीक बच्चा, यहाँ देखिए एक A प्लस, यहाँ A प्लस एक दो और तीन, ये एक दो तीन। अगर आपका यहाँ से एक आपका बच्चों धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाए और एक बच्चों क्या चला जाए, रेडायन क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो इसके पहले बच्चों धनायन रेडायन कितने थे, ए प्लस कितना था तीन था, बी माइनस कितना था बच्चों तीन था, तो रेशियो वन का था। और जब क्रिस्टल से बाहर चले गए, क्या बच्चों क्रिस्टल से बाहर, जब बच्चों क्रिस्टल से आयन आपके बाहर चले गए तो कितने ए प्लस है बताइए, दो है, कितने बी माइनस है दो है, तो दोनों कैंसिल करते हुए रेशियो वन, क्या दोनों कंडीशन में आपकी जो अनुपात आई है बच्चों क्या समान आई है, हाँ क्या है बच्चों समान आई है। अगर बच्चों आपका समान आया है, अगर आपका क्या आया है समान आया है, अगर क्रिस्टल से आपका समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाए तो कौन सा दोष बच्चों शॉटकी दोष, रिक्ति दोष। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, क्या लिखेंगे बच्चों इस दोष में, इस दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्या बच्चों समान संख्या में धनायन ऋणायन कहाँ चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। और बच्चों जैसे इसको बना लेते हैं ये आपको समझने में भी आसानी होगी, अब बच्चों इसी क्रिस्टल को हमने क्या कर दिया बच्चों गर्म कर दिया, और जब गर्म किया बच्चों तो हमने क्या देखा कि ए प्लस और बी माइनस, और ये बच्चों जगह पे क्या हो गई, खाली हो गई, ये जो बच्चा क्या हो गया खाली हो गई, और यहाँ पर क्या बच्चों का बी माइनस, यहाँ बच्चा क्या है आपका ए प्लस,
और यहाँ क्या, अच्छा बी माइनस, और ये भी जगह पे क्या है खाली होगी। तो ये बच्चों क्या रहा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो कौन सा दोष रहा बच्चों आपका, साठ की दोष, रिक्ति दोष रहा। और यही इसका अपोजिट, यही इसका अपोजिट, अगर बच्चों कोई धनायन, कोई बच्चों धनायन कोई धनायन बच्चों कहाँ पे चले जाए आपकी, क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए, कहाँ पर चला जाए बच्चों, क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए, ये कहाँ पर आ जाए, क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए, तो भी धनायन और ऋणायन का अनुपात बच्चों क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा, और स्थिर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अंतराकाश में कोई धनायन चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आया गया कि अच्छा ठीक है, धनायन चला गया, ऋणायन क्यों नहीं जाएगा, ऋणायन बच्चों नहीं जाएगा, एक कंडीशन होगा उसे आप पढ़ेंगे ऋणायन की अधिकता में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। अब जब बड़ा होगा तो अंतराकाश में नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए हम क्यों धनायन की बात करते हैं। तो क्या है बच्चों, इस दोष में क्या बच्चों, इस दोष में धनायन, ये दोष में धनायन क्रिस्टल के अंतराकाश, अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, कहाँ बच्चों, अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। तो ये जानते रहिए बच्चों, और एग्जाम्पल के तौर बच्चों ये चीज़ आप बना लीजिएगा। तो ये कौन सा दोष है बच्चों आपका, अंतरा काशी दोष है बच्चों, और इसको हम क्या कहेंगे आपका, फ्रैंकल दोष कहेंगे। तो ये बच्चों एक पॉइंट आपका हो गया। और दूसरा बच्चों, अगर कोई भी धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएगा बच्चों तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी होगी ना, तो हाँ, तो इसमें बच्चों आप क्या लिखेंगे, अगर बच्चों धनायन या ऋणायन, या धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी, मतलब घनत्व में कमी होगी, तो इस दोष में, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। और बच्चों यहाँ पर आपका फ्रैंकल दोष रहेगा बच्चों, तो क्रिस्टल घनत्व क्या रहे, बना रहेगा, क्योंकि धनायन के क्रिस्टल में ही, अंतराकाश में ही है बच्चों। तो इसमें लिखेंगे, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व बना रहता है, बना रहता है। तो ये दो पॉइंट बच्चों आपका हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दिए कि ये दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका, थर्ड पॉइंट। और साठ की दोष में बच्चों क्या होगा, जब धनायन और ऋणायन का अनुपात समान होगा, सॉरी धनायन और ऋणायन का जो आकार है बच्चों लगभग समान होता है, तो साठ की दोष होता है, अगर ज़्यादा अंतर होगा तो फ्रैंकल दोष। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस दोष में धनायन व ऋणायन का आकार, धनायन व ऋणायन का आकार समान रहता है। इसमें बच्चों, इसमें इनके धनायन व ऋणायन के आकार में, धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होता है बच्चों, क्या होता है आपका, अंतर होता है। और बच्चों यदि बात करें इसके एग्जांपल की, तो याद रखिएगा जैसे में बच्चों, क्षार धातुओं के हैलाइड, क्या बच्चों, क्षार धातुओं के हैलाइड, जैसे बच्चों NaCl,
जैसे बच्चों यन्ने आई, तो ये सब बच्चों क्या आपके 60 की डोज वाले क्रिस्टल मिलेंगे। और इसमें बच्चों जैसे में याद रखिएगा बच्चों सिल्वर के हैलाइड, किसके बच्चों सिल्वर, सिल्वर के हैलाइड। अब सिल्वर के हैलाइड का मतलब है बच्चों जैसे AGBR, AGI, AGCL, तो ETC, तो ये क्या होगा बच्चों आपका फ्रैंकल दोष होगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कीजिए, अगर आप बच्चे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।